और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हांसी में ट्रक यूनियन के विवाद में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने पिस्टल तान दी, साथ ही गोली मारने की कोशिश भी की। मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ी तो बदमाश पिस्टल छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसानी ने पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई तो वहीं ट्रक यूनियन ने जमीन पर फिर कब्जा कर लिया है। तो शाम रोड पर वक्फ बोर्ड की 6000 गज ये जमीन है जिसको लेकर ये विवाद हुआ। हमने करा ली वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन इसकी फर्द निकलवाते हैं ना कि ये उड्डा में बोलती है फर्द। और प्रशासन ने पहले हमको कोई नोटिस दिया कि भाई आप अपनी गाड़ियां हटाओ यहाँ से या कोई और बात है, एक भी नोटिस नहीं दिया प्रशासन ने हमें किसी प्रकार। विधायक जी ट्रक यूनियन में आए हमसे बात करने के लिए, तो विधायक जी को हमने कहा जी एक बार मौका तो देखो विधायक जी आप। विधायक जी मौका देखने के लिए यहाँ दीवार के पास आए तो आते ही विधायक जी ने यहाँ से 4-5 लोग बैठे थे तो विधायक जी ने उनको बोला कि भाई इधर आओ। उनमें से एक ने ये सुनते ही कि भाई कौन लोग आगे कैसे आगे, और विधायक जी को देख के उन्होंने राइफल गाड़ी से निकाल दी और राइफल कोक करके और विधायक जी की तरफ फायर करने की कोशिश भी करी। इतनी देर में विधायक जी भी उसके पीछे दौड़ लिए दीवार के ऊपर, एक खंभा गिरवा गिर के, और हम ये फिर पब्लिक ने सारी दीवार तोड़ के और उनके पीछे भागे। लेकिन एक लड़का और था जिसके पास पिस्टल था, उसने भी विधायक जी की तरफ पिस्टल निकाल। ये शमशेर वगैरह मैं ड्यूटी मस्टेट नियुक्त करवाया था, वक्फ बोर्ड की जमीन इन्होंने लीज पर ले रखी है, तो ड्यूटी मस्टेट नियुक्त हुए थे इनको कब्जा दिलवाने के लिए, तो ड्यूटी मस्टेट को पुलिस हेल्प दी गई थी जिन्होंने कब्जा दिलवाया था वक्फ बोर्ड की जमीन का। तो आज सुबह पता चला है कि यूनियन वालों में और इन दूसरे पक्ष वालों में कुछ झड़प हो गई थी और जो इन्होंने वो मौके पर दीवार बनाई थी वो तोड़ दी गई है। तो दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए वो लगाए गए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने रिटर्न कंप्लेंट दी गई है जिसकी जांच की जाए। विधायक का मामला सर, विधायक भी मौके पे थे, इसमें क्या है? अभी जांच चल रही है क्या मैटर था, कब आए थे वो, पहले आए थे या बाद में आए थे, ये सारी जाँच कर रहे हैं। हाँ जी, हमें 4 आदमी थे और अपने शांति से बैठे थे और एकदम हमारे ये कोई शक नहीं था, गाड़ी में मेरे वेपन धरे थे और एकदम दाव बोला 150-200 आदमी आगे विनोद भयाना था सबसे आगे और पत्थर मारने लगे, ईंट मार दिया है, गाली गलोच इतनी दी है जिसका कोई नहीं, बाजरी हमारे साथ हमारे उसमें बाजरी हमारे पीछे। तो मन में राइफल तो निकाल ली तोड़ में और मेरा पिस्टल वहाँ रह गया, पिस्टल एसएस गाड़ी में रह गया और मैं राइफल निकाल के भाज लिया। मैं गोली चलाऊंगा आपने ठीक नहीं रहेगा, मैं अपने कुछ नहीं अपने भाज ले, मैं भाजने में फायदा है। तो फिर उन्हें क्या करा है पीछे से मैंने नहीं पता, हमारे पीछे भी भागे हो गाड़ी तोड़ी है, मोटरसाइकिल तोड़ा है, हमारा पूरा उपद्रव करा, गाली गलौज दी, हमारा गेट भी फाड़ दिया, हमारा चनाई भी वो दीवार भी फाड़ दी, चनाई भी शुरू कर रहे हो। हमारा कब तो पूरी बदमाशी विनोद भयाना ने खिलाई, विनोद भयाना सारे मार्ग था और वहाँ बैठ के चनाई करवा रहे। तो गोली प्रयास का क्या मामला है? नहीं कोई प्रयास नहीं, गोली चलती तो चल जाती, गोली प्रयास क्या होता, वो हमने जब कुछ था थे लगाया हमने, अब तो निकाल के भाजे हम तो। हांसी के विधायक विनोद भयाना पर आज सुबह गन से हमला करने की कोशिश की गई है। मौके पर ट्रक यूनियन के जो लोग थे उन्होंने आरोपियों को पत्थर मारा जिसके बाद आरोपी मौके पर गन छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मेरे पीछे जो आप जमीन देख रहे हैं ये ट्रक यूनियन की जो जमीन है, कब्जा ट्रक यूनियन का बताया जा रहा है कि एक लंबे समय से यहाँ पर ट्रक यूनियन का कब्जा है और ट्रक यूनियन के कब्जे पे जो सामने जो दीवार देख रहे हैं यहीं पे एक अलग टीम है जिनका यहाँ पर कब्जा है, जिनके पास बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री वगैरह है और उन्होंने एक लंबे टाइम से ये जमीन लीज पर ली हुई है और उन्होंने जो जमीन लीज पर गए वो परली साइड जहाँ पर गए वो जमीन लीज पर गए, सामने देख सकते हैं फोर्स है। लेकिन यहाँ पर आज सुबह वो लोग भी जमा थे और साथ जो ट्रक यूनियन की हड़ताल चल रही है इसी जमीन को लेकर आज चक्का जाम भी गए जो पूरे ट्रक यूनियन का, लेकिन आज समझौता कराने के लिए सुबह विधायक विनोद भयाना यहाँ पहुँचे थे। ऐसे में सामने से बताया जा रहा है कि किसी ने उन पर गन से हमला करने की फायर करने की कोशिश की, इसी दौरान विधायक ये दीवार कूद कर भागे गए, पब्लिक भी दीवार कूद कर उन आरोपियों की तरफ भागी गए जिसके बाद आरोपी मौके पर एक गन छोड़कर फरार हो गए। बरखाल
यहाँ पर डीएसपी एसपी मौके पर विधायक विनोद भ्याना के कहने पर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस अमला यहाँ पर है, काफी तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, सामने पुलिस की टुकड़ियाँ गए, यूनियन के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे गए। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें, ये मसला काफ़ी लंबा गया। ट्रक यूनियन का कहना है कि ये जो ज़मीन है उनका आज़ादी से पहले का यहाँ पर कब्जा है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उनका कहना है कि हमने ये ज़मीन वक्फ बोर्ड से लीज पर ली हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जनता टीवी के लिए मैं अनुराग सिंह।